Hello everyone, welcome to GOIS. This is lesson 3 of Indian Judicial System. अब last session में हम discuss कर रहे थे about Article 125. Article 125 क्या बोलता है? That there will be a Chief Justice of India and the number of judges will be fixed by the President of India. मतलब number of judges जो है, that will be fixed by the Parliament. And will be appointed by the president. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक word आता है that the CJI will be consulted. क्या होगा? The president will consult the CJI while appointing the judges. अब ये जो term आया consultation, इसने महा गड़बड़ कर दी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी. It resulted in the first judges case, जिसे हमने last class में पढ़ा था, the first judge case of 1982. Also known as the PIL of the SP Gupta versus Union of India, ठीक है, first judge case. उसके बाद इसमें Supreme Court ने क्या कहा है? इसमें Supreme Court ने बोला कि ये जो word है consultation, this is merely an exchange of views. So it observed, Supreme Court ने क्या observe किया? It is not binding. क्या observe किया है? कि ये binding नहीं है. Very good. अब पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव खुश हो जाती है, ठीक है, कि जजेस ने खुद अपना पावर हमें एक प्लेट में सजा के दे दिया है. दे हैव लिटरली गिवन अप देयर पावर ऑफ इट्स ओन अपॉइंटमेंट. और कहीं ना कहीं इट वाज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 50, बिकॉज लोग इस चीज का फायदा उठा रहे थे. एग्जीक्यूटिव जजेस को पॉप्सिकल दिखा रहे थे और पॉप्सिकल दिखा कर कह रहे थे, इन सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो लॉलीपॉप दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि भाई अगर आप हमारे हिसाब से जजमेंट दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. इसीलिए आप क्या देखते हो, फ्रॉम द टाइम ऑफ 1973 जब से इंदिरा गांधी ने ये नॉट बाइंडिंग वाला चीज कर दिया, अब क्या देखोगे कि बहुत ज्यादा डार्क आवर चलता था जुडिशरी का. इट वॉज नोन एज द डार्क डेज ऑफ द जुडिशरी. अब इसे चैलेंज करते हुए सेकेंड जजेस केस आया. सेकेंड जजेस केस का नाम था द स्काउरा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया. ये हुआ था 1993 में. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट द डिसीजन इज बाइंडिंग. इसका एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप लेसन 2 को देखो बिफोर सीइंग दिस लेसन. उसके बाद आता है द थर्ड जजेस केस. देखिए क्या होता है थर्ड जजेस केस जो है, इट स्पोक अबाउट द कोलिजियम सिस्टम. कोलिजियम सिस्टम को डिफाइन करने के लिए थर्ड जजेस केस आया था. सेकेंड जजेस केस ने क्या बोला था कोलिजियम सिस्टम के बारे में? हमें ये तो पता है कि जो सेकेंड जजेस केस है, इट टोल्ड अस कि एक कोलिजियम सिस्टम बनेगा, ठीक है, एक कोलिजियम सिस्टम बनेगा. अब ये कोलिजियम सिस्टम था क्या? कोलिजियम का मतलब है दैट एक ग्रुप ऑफ जजेस रहेंगे. देयर विल बी 2 to 3 जजेस एंड दिस बॉडी विल एक्ट लाइक अ डेमोक्रेटिक बॉडी. डेमोक्रेटिक बॉडी मतलब जितने मेंबर्स रहेंगे इस ग्रुप में, ये लोग वोट करेंगे और उस वोटिंग के हिसाब से जज का नाम फॉरवर्ड किया जाएगा. अब सेकेंड जजेस केस में क्या हुआ था कि कोलिजियम सिस्टम तो डिसाइड हो गया था, बट अब क्वेश्चन ये हो गया कि इस कोलिजियम में कौन रहेगा, हु विल बी अ पार्ट ऑफ दिस कोलिजियम. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आ गया. तो यहाँ पर अगर आपको पता है आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को एक पावर देता है, द पावर ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. क्या पावर देता है? द पावर ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. अब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है? देखिए प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट हैज द राइट टू कंसल्ट, बाइंडिंग कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट इन आंसरिंग एनी क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या चाहिए? इंटरप्रिटेशन हो कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन करे एनी क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड सुप्रीम कोर्ट को मैंडेटरीली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना होगा. तो एक प्रेसिडेंट थे हमारे सेकंड जजेस केस के बाद, जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था प्रेसिडेंट KR नारायण. क्या नाम था? प्रेसिडेंट KR नारायण. KR नारायण साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक क्वेश्चन पूछा. उन्होंने पूछा
कि सर एक बात बताइए, ये जो कोलिजियम सिस्टम आप बोल रहे हो, ये कोलिजियम क्या सिर्फ एक जन का बना रहेगा? विल इट ओनली बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुझे आकर अपना रिकमेंडेशन देंगे और मुझे उनका बात सुनकर अपॉइंट कर देना पड़ेगा। यस, तो क्या देखा गया कि प्रेसिडेंट साहब ने वो, तो सीजीआई साहब ने इस बात को रिप्यूट किया। उन्होंने बोला कि जो कोलिजियम सिस्टम होगा दैट विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस टू मेंबर्स। क्या रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा प्लस टू मेंबर्स रहेंगे, एंड ये तीनों मेंबर्स दिस बॉडी विल एक्ट एज अ डेमोक्रेटिक बॉडी। कैसा बॉडी फॉर्म करेगा? डेमोक्रेटिक बॉडी मतलब आउट ऑफ थ्री पीपल टू पीपल अगर यस बोल देते हैं, द नेम ऑफ द जज विल बी सेंड टू द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट विल बी बाउंड। क्या होगा? द प्रेसिडेंट विल बी बाउंड मतलब उनको करना होगा, ही विल हैव टू अपॉइंट दैट पर्सन एज द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, he will have to appoint this person as judge of the supreme court. ye hua tha ek presidential reference ke through. ab kuch dinon baad shanti to rehti nahi india mein, to fourth judges case aaya. theek hai, fourth judges case aaya. kya aur kyun hua tha ise aap normally samajhne ki koshish karo ki collegium system to ban gaya tha. theek hai, collegium system to ban gaya tha, डिबेट हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था, वोटिंग हो रहा था, बट अल्टीमेटली सीजेआई के रेफरेंस से ही तो ये दोनों जजेस अपॉइंट हो रहे हैं। ये जो प्लस टू है, दे आर नॉमिनेटेड बाय द सीजेआई, तो कहीं ना कहीं वो सीजेआई के अपने मेंबर्स हैं, यस और नो? तो अगर एक इंसान को एक्सेसिव पावर्स दे दिया जाएगा, वो किस चीज में रिजल्ट करेगा? इट विल रिजल्ट इन आर्बिट्री यूज ऑफ पावर, इट विल रिजल्ट इन मिस यूज ऑफ पावर। और इस मिसयूजमेंट की वजह से ये जजेस क्या कर रहे थे कि हाँ, कि कोर्ट्स में नेपोटिज्म उन्होंने बढ़ा दिया था। मतलब क्या? मतलब जज अपने बेटे को जज बना दे रहे हैं, ठीक है, वेदर और नॉट ही इज केपेबल और नॉट। जज क्या कर रहे हैं? अपने नियर किन को बना दे रहे हैं। यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है? फेवरेटिज्म स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही फेवरेटिज्म होता है गाइस, याद रखिएगा, कानून तो कानून है, ये डेफिनेटली आएगा। सो दिस वाज चैलेंज इन द थर्ड जजेस केस, जिसमें बोला गया कि ये जो थ्री मेंबर बॉडी आपने बनाया है, ये थ्री मेंबर बॉडी तो नेपोटिज्म कर रही है, ये थ्री मेंबर बॉडी तो फेवरेटिज्म कर रही है, इसीलिए इस बॉडी को हमें और रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा। What we will have to do? We will have to make it more and more representative, और लोग आने चाहिए, तभी जाके जुडिशरी ठीक तरीके से चलेगा। तो अब डिसाइड हुआ कि अब जो कोलिजियम बनेगा, इट विल बी मेड ऑफ फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सीजेआई रहेंगे और इनके साथ तीन लोग और रहेंगे। ठीक है, ये जो तीन लोग होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, दे विल बी सीनियर मोस्ट मेंबर्स। तो यहाँ पर सीजेआई का जो नॉमिनेशन पावर्स था अकॉर्डिंग टू द सेकंड जजेस एक्ट, वो हटा दिया गया था। सो दीज पीपल माइट बी डिसेंटिंग। ठीक है, ये सीनियर मोस्ट जजेस है, सबसे पुराने जजेस है, ऑल ऑफ देम आर इन लाइन टू बिकम द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनके ऊपर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। अब ये बोला गया कि अगर इन तीनों में से दो जजेस ने नहीं बोल दिया, तो वो जज का नाम आगे नहीं जा सकता, दैट पर्सन कैन नॉट बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो टेक्निकली व्हाट दे डिड इज, इन्होंने जो स्क्रीनिंग प्रोसेस था कॉन्स्टिट्यूशन में, जजेस को रखने का जो स्क्रीनिंग प्रोसेस था, उस चीज को और स्ट्रिंजेंट कर दिया, एंड दे मेड इट फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ नेपोटिज्म एंड ऑल फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ फेवरेटिज्म। मगर इसके बाद भी आप क्या देखोगे, लोगों में इस चीज का पूरा ये था कि ये जो जुडिशरी का जो पूरा प्रोसेस है, द होल अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ये जो है हमारे जुडिशरी का, ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसलूसेंट है, मतलब पता ही नहीं क्या हो रहा है, पर्दों के पीछे कौन क्या कर रहा है हमें कुछ भी नहीं पता, कौन अपॉइंट हो रहा है, क्यों अपॉइंट हो रहा है, उसके क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, उसके साथ कितने सारे जजेस हैं, ये सारी चीजें अब किसी को भी नहीं पता। तो जुडिशरी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि आपने रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा दिया, लेकिन उन लोगों का बढ़ाया है जो टेक्निकली अपना फेवरेटिज्म वाले क्लॉज को अपहोल्ड करते हैं। और जुडिशरी के लिए आपको तो पता ही है, फिलहाल लोगों का जो व्यू था ऑफ द जुडिशरी वो बहुत अच्छा तो था नहीं। तो अब इसकी वजह से आप क्या देखते हो कि ये डिसाइड किया गया कि हमें करना क्या है, नॉर्मली समझिए कि इसके पहले
हमारे पास एग्जीक्यूटिव था। जब एग्जीक्यूटिव को रोल दिया गया अपॉइंटमेंट का, तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के साथ खेलने लगी। इट स्टार्टेड प्लेइंग विद द जुडिशरी। व्हाट डिड इट स्टार्टेड डूइंग? इट स्टार्टेड ब्रेकिंग द रूल ऑफ लॉ को पूरी तरीके से खराब करने लगी। आर्टिकल 50 या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इसने ब्रेक डाउन कर दिया, राइट? उसके बाद क्या हम देखते हैं कि जब हमने ये ऑप्शन दिया कि जुडिशरी ही जुडिशरी को अपॉइंट करे, एक जज ही जज को अपॉइंट करे, यहां पर हम क्या देखते हैं कि भाई फेवरेटिज्म आ गया। यहां पर हम क्या देखते हैं कि फेवरेटिज्म आ गया। यहां पर हम देखते हैं नेपोटिज्म होने लगा। ठीक है, टेक्निकली क्वालिटी, जो क्वालिटी था जजमेंट का, वो जजमेंट का क्वालिटी चला गया। इन बोथ केसेस आप देखो इफेक्ट तो ऑलमोस्ट सेम है, यस और नो? तो अब कैसे ठीक किया जाएगा? अब डिसाइड किया गया कि भाई हमें ऐसा करना होगा कि देयर शुड बी अ ब्लेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड अ ब्लेंड ऑफ द जुडिशरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। हमें क्या करना चाहिए भाई? एग्जीक्यूटिव और एक काम करते हैं, दोबारा जुडिशरी मिलकर लेट अस अपॉइंट जजेस। एंड फॉर दिस पर्पस गाइस एनजेएसी की फॉर्मेशन हुई। क्या बना? एनजेएसी, दैट इज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने की बात हुई। आप समझिएगा कि ये कैसे हुआ और क्यों। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया गया था इन द ईयर 2014। इस एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया आर्टिकल 124A। और इस 124A ने क्या किया? इसने बोला कि जैसे पहले था ना 124 में कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द सीजेआई will appoint the judges of India. यहां पर क्या लिखा गया? The president in consultation with the NJAC, ठीक है, will appoint the judges of Supreme Court. ठीक है, ये जजमेंट आ गया। ठीक है, वेरी गुड मैडम। अब क्या होगा? अब NJAC जो बॉडी बनाया गया था गाइज, दैट इज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो बॉडी बनाया गया था, इट वॉज मेड अ सिक्स मेंबर बॉडी। वेरी गुड मैम। कौन कौन मेंबर्स हैं इन सिक्स मेंबर्स में? दो तरीके के मेंबर्स हैं। एक है जुडिशियल मेंबर्स, वन पार्ट इज द जुडिशियल मेंबर्स, और दूसरा जो पार्ट है दे वर द नॉन जुडिशियल मेंबर्स। गाइस मेक श्योर कि आप अपने नोट्स को बनाए जा रहे हो, मेक श्योर दैट ड्यूरिंग द वीडियो आप अपने पेन पेपर को लेकर बैठो एंड मेक रनिंग नोट्स। दिस विल हेल्प यू इन रिटेनिंग व्हाटएवर इज बीइंग टॉट। जो पोर्शन आपका छूट जाएगा वो आपको पीडीएफ के फॉर्म पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक पार्ट हमारा तीन जुडिशियल मेंबर्स है, तीन नॉन जुडिशियल मेंबर्स है। वेरी गुड मैम। अब ये तीन जुडिशियल मेंबर्स में कौन होंगे? इसमें मैंडेटरीली देयर विल बी द सीजेआई ऑफ इंडिया। कौन रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहेंगे ही रहेंगे। और इनके साथ साथ देयर विल बी टू मोर जजेस हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजेआई है और सीजेआई के साथ टू अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, वेरी गुड मैम। ये हो गए जुडिशियल मेंबर्स। अब चलिए बात करते हैं नॉन जुडिशियल की। नॉन जुडिशियल मेंबर्स में कौन रहेगा मैम? इसमें एक मेंबर रहेगा यूनियन लॉ मिनिस्टर। कौन रहेगा? यूनियन लॉ मिनिस्टर। वेरी गुड मैम। और दो मेंबर कौन रहेंगे? और दो मेंबर्स में से देयर विल बी टू इमिनेंट पर्सनैलिटीज। कौन रहेगा? टू एमिनेंट पर्सनैलिटीज, मतलब बहुत ही जाने माने लोग। ओके, अब देखिए ये वाला पार्ट बोल दिया गया एनजेएससी का, हमने बोला ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि अगर इस सिक्स मेंबर बॉडी में इफ टू पीपल से नो, मतलब अगर दो लोग वीटो कर देंगे, दे विल से नो, तो वो जज जज नहीं बन सका। दैट पर्सन कैन नॉट बी मेड द जज। सिंपल एंड क्लियर था एनजेएससी का, यस और नो? मगर एनजेएससी का लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हुआ। कैसे, समझना। पहला क्वेश्चन, मैडम ये जो टू इमिनेंट पर्सनालिटीज है, हु आर दीज पीपल? इनके क्वालिफिकेशंस क्या है? व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, पूछा गया। कैसे अपॉइंट किया जाएगा? पार्लियामेंट से पूछा गया। पार्लियामेंट में बोला नो क्वालिफिकेशंस, कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। हमने बोला ठीक है सर, ये बताइए इन इमिनेंट पर्संस को चुना कैसे जाएगा? तो पार्लियामेंट ने बोला सुनिए, हम एक थ्री मेंबर बॉडी बनाएंगे। कितने मेंबर का बॉडी बनाएंगे? वी विल मेक अ थ्री मेंबर बॉडी। वेरी गुड। कौन कौन रहेगा इसमें?
इसमें रहेंगी रहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, इसमें रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वेरी गुड, और मैम और रहेगा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, ओके। ये तीनों मिलकर दो लोगों को नॉमिनेट करेंगे एज टू इमिनेंट पर्सन। हमने बोला ठीक है सर। अब सर इसके बाद ये बताइए कि क्या दो लोगों के कहने पर ये मोशन रद्द कर दिया जाएगा? किसी को भी जज अपॉइंट करने का जो मोशन है, जो नाम समझिए सीजेआई ने प्रपोज किए हैं, वो नाम क्या रद्द कर दिए जाएंगे? इन्होंने बोला यस, अगर सीजे दो लोगों ने ना बोल दिया तो ये जो है रद्द हो जाएगा। अब उठा प्रॉब्लम, सबने क्या बोला कि एक बात बताइए सर, दिस इज ग्रॉस इंटरफेरेंस, ये तो ग्रॉस इंटरफेरेंस है, यानी कि समझ लो अगर सीजेआई ने और बाकी दोनों जजेस ने, मतलब पूरा जुडिशरी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बैच बोलता है हमें ये जज चाहिए, एग्जीक्यूटिव का दो मेंबर आएगा और वो दो मेंबर मिलकर बोल देगा नो, इन दैट केस कभी अपॉइंटमेंट ही नहीं होगी, फर्स्ट प्रॉब्लम। यानी कि जो पर्सन जो ये बार बार बोला जा रहा है, सेकेंड जजेस केस में जो बोला गया दैट दिस इज अ प्राइमल अफेयर, पर्सनल मामला है कोर्ट का, उस पर्सनल मामले की तो आप धज्जियां उड़ा दे रहे हो, लिटरली ग्रॉस इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द मैटर्स ऑफ द जुडिशरी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप नोटिस करो भाई, ये दो लोग जो वीटो करेंगे, ये लोग तो टेक्निकली सीजेआई के पावर को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, प्लस ये लोगों का कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, वी डोंट नो कल कौन आकर बैठ जाएगा, किसी भी स्टूपिड इंसान को लाकर अगर आप बैठा दोगे इन द पोजीशन ऑफ एन इमिनेंट पर्सन एंड समवन जो जज बनाएगा, तो ये जज का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीडियर होगा ये तो पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज हो जाएगा। सब लोग ये सोचेंगे कि अगर हम इन दो मेंबर्स के बॉडी को बना देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा जुडिशरी पे। अल्टीमेटली व्हाट यू आर सीइंग, नॉर्मली सोचो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव तो जुडिशरी के ऊपर ग्रॉस इंटरफेरेंस कर रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन गाइज कि क्या हुआ, एक और केस हुआ, फिर से केस हुआ, सेम केस गाइज, द स्काउरा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2015 केस हुआ था। और इस केस में स्काउरा ने बोला सुप्रीम कोर्ट को, सर दिस इज ग्रॉस वायोलेशन। क्या है? ग्रॉस वायोलेशन है किस चीज का? इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का, हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। और इसके तहत क्या होगा, एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने रेंज को जुडिशरी में पूरे उंगलियों तहत उसे दबा कर रख देगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दे विल मेक जजेस फेवर देम कि अगर आपको जज बनना है आप अभी हमारा साथ दो, फ्यूचर में आप हमारे आदमी को ले आओ और फ्यूचर में हम इस चीज को रोक देंगे। तो कहीं ना कहीं इट विल ऑल्सो फेवर नेपोटिज्म, यस और नो, नेपोटिज्म भी करेगा। नंबर थ्री, सर आप दो अननोन पर्सनालिटीज को लेकर आ रहे हो, इन अननोन लोगों का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कल के डेट पे कोई गंवार इंडिविजुअल आ जाए और वो आकर पढ़े लिखे जजेस को रिक्रूट करे, हाउ विल दैट लुक ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। एंड नंबर फोर, इन्होंने बोला ये सब तो ठीक है सर, ये वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 50 को, क्यों? बिकॉज यहां पर एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के मैटर में पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुका है, एंड फॉर दिस रीजन इट इज टेक्निकली वायोलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सिंस इट इज वायोलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड that the formation of the NJAC is null and void. इसे null and void घोषित कर दिया गया। अब बात हुई कि भाई अब हम किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स करेंगे जजेस का, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला टेंशन ना लो, वी विल डू द कॉलिजियम सिस्टम अगेन। हम कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे? हम कॉलिजियम सिस्टम फॉलो करेंगे। कौन सा कॉलिजियम सिस्टम सर? कॉलिजियम सिस्टम इन विच सीजेआई प्लस 3 सीनियर मोस्ट जजेस विल फॉर्म अ पैनल, एंड व्हाट दे विल डू इज दे विल अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब सब बोलने लगे कि भाई ठीक है, आपने कॉलिजियम सिस्टम तो बना दिया,
कोलिजियम सिस्टम के तहत जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस, वेरी गुड सर, आपने आर्टिकल 50 को अपहोल्ड कर दिया है, वेरी गुड सर, सब कुछ जुडिशरी ने कर दिया, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम जो था वो जुडिशरी का लिंगर कर रहा था। क्या प्रॉब्लम था ये? द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि बिहाइंड द कर्टन्स आप लोग क्या कर रहे हो ये देश को ठीक तरीके से पता नहीं है। देश को कैसे पता चलेगा कि जुडिशरी कैसा फंक्शन कर रहा है? इसी की वजह से जुडिशरी में कुछ लैंडमार्क चेंजेस लाए गए, कुछ तो जुडिशरी ने खुद अपने ऊपर ले आया एंड सम वर मेड बाय द लेजिस्लेचर्स देमसेल्फ्स। सबसे पहला और सबसे रीसेंट चेंज जो आप देखोगे, नाउ द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस, क्या है? ऑफिस ऑफ द CJI लाइज विद इन द एम्बिट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मतलब अगर आपको सपोजिटली किसी जज के नॉमिनेशन के बारे कुछ सवाल करनी है, आप आराम से CJI ऑफिस को राइट कर सकते हो। यू कैन राइट डाउन टू द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफिस, और ये राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफिस आपको सारा इंफॉर्मेशन देगी जो आपको जरूरत है टू रियलाइज कि कौन सा कैंडिडेट जज बना है और CJI का क्या दिमाग था, व्हाट थिंकिंग वाज गिवन टू द कोलिजियम जिसने इस इंसान को अपॉइंट किया है। और एक चीज, फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने जजमेंट कैसे किया? इवन दो जजमेंट बहुत अच्छी तरीके से लिखी रहती है, बट स्टिल अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आप CJI को क्वेश्चन कर सकते हो कि सर, इस पैनल ने ऐसा क्वेश्चन कैसे किया था? That is, guys, अगर हमें पता है, this is a tool of democracy. The judiciary, the government, accountable to the people is a basic tool of democracy. इसीलिए office of the CJI को ambit में लाया गया of the right to information. Second most important point was the Swapnil Tripathi case. कौन सा case था? The Swapnil Tripathi versus the Union of India. इसे usually registrar भी बोले जाता है, Union Swapnil Tripathi versus registrar of the Supreme Court of India. ठीक है, registrar of Supreme Court of India. इसके खिलाफ एक केस हुआ था। अब इस केस में Swapnil Tripathi ने कोर्ट में बोला कि सर जी, आप लोग बोलते हो कि जुडिशरी का जितना भी फंक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन आप लोग इस जजमेंट को आम जनता को दिखाते क्यों नहीं हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाँ भाई, ये बात तो सही है, हम भी एक स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं, और स्टेट के डेफिनेशन में अगर हम आते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन लोगों को अपने नॉलेज के बारे बताएं और हमारा वर्किंग टेक्निक बताएं जिन्होंने टेक्निकली जो हमारे लिए पे कर रहे हैं। इसीलिए जुडिशरी ने बोला ओके, वी विल डू लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ ऑल जुडिशियल सिस्टम्स। हम क्या करेंगे? हम करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ ऑल द जुडिशियल फंक्शनिंग। तो इससे आप क्या देखोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा सकते हो, वहां पे आप एक टैबलेट ले सकते हो और सारे कोर्ट्स में क्या क्या केसेस चल रहा है उन सब की लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हो, ताकि आपको ये सारी चीजें पता चल जाए। यहां पर एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, जो आपको नोट कर लेना चाहिए, और ये था, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। क्या बोला? सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। अब इसे बहुत सारी तरीकों से आप इंटरप्रेट कर सकते हो, मगर इसे मैं जिस तरह से इसे इंटरप्रेट करती हूँ वो ये है कि द जजमेंट ऑफ द जजमेंट जो होता है वो यूजुअली सन के जैसा होता है। जब तक आप धूप में बाहर नहीं जाते तब तक आपको नहीं पता कि विटामिन डी के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, मगर वंस यू गो इनटू द सन और आपको बेनिफिट्स पता चलता है, आपको पता चलता है भाई मैं स्वेट करूंगा, अगर मैं स्वेट करूंगा मैं टेक्निकली फिट रहूंगा, मेरे बॉडी का एक्सेस वाटर चला जाएगा, मेरे बॉडी का सॉल्ट बैलेंस बना रहेगा, ये सारे फायदे होते हैं। सनलाइट जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को हटाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में जो ये बैड वर्जन था जुडिशरी का लेकर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो भी देखे कि जुडिशरी किस तरीके से फंक्शन करती थी। क्योंकि जब तक कोई चीज एक इंडिविजुअल नहीं देखेगा, किसी चीज की वर्किंग आप नहीं जानोगे, सिस्टम की वर्किंग को आप नहीं जानोगे, तब तक आप सिस्टम को सिर्फ गाली देते रहोगे।
In that sense, Swapnil Tripathi versus Union of versus Registrar of the Supreme Court of India case में ये एक जजमेंट आया कि अब सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी हियरिंग्स होंगी सारी की सारी जो है विल बी लाइव स्ट्रीम्ड. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फॉर मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. फाइनली ये बोला गया कि भाई हमें लोगों को बताना होगा कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं. तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला मैं एक गाइडलाइन निकाल देता हूं ताकि सारे जो जजेस हैं वो इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जनता जनार्दन को ये बताएं कि हम किस तरह से फंक्शन करते हैं. सो नंबर थ्री, दे रिलीज्ड व्हाट इज नोन एज द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीडियर. मतलब कैसे हमें ट्रांसपेरेंसी देना है वो सारी चीजें इन्होंने कोडिफाई कर दिया, अच्छे से कोडिफाई कर दिया. दे बाउंड द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये लोग बाउंड कर दिए हैं सारे जस्टिसेस को कि जब भी वो कोई जजमेंट दे वो उसका प्रॉपर आंसर प्रॉपर तरीके से उस प्रोसेस को फॉलो करें. सो थ्री थिंग्स हैव बीन डन टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द जुडिशरी. नंबर वन, द ऑफिस ऑफ द CJI हैज बीन ब्रॉट विदिन द एम्बिट ऑफ द RTI. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस में ये बोला गया कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, सब लोग जाने हमारे यहाँ क्या चल रहा है. एंड फाइनली हम एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीडियर बना देते हैं जिसके तहत हम पूरी की पूरी टेक्निकल मैनर में हम लोगों को अपने वर्किंग के बारे बताएंगे. दीज वर द थ्री इंपॉर्टेंट मेजर्स दैट वर टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन इट. सो अब तक हमने आर्टिकल 124, आर्टिकल 125, आर्टिकल 129, आर्टिकल 130, आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, आर्टिकल 134, आर्टिकल 136, आर्टिकल 141, 142, 143 को कवर कर लिया है. ऑफ कोर्स 138 आल्सो रिट पिटिशंस. अब देखो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, अ सुप्रीम कोर्ट जज इज यूजुअली गिवन अ लॉट ऑफ पावर. उन्हें बहुत सारा पावर दे दिया जाता है बिकॉज सबको ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझना और कॉन्स्टिट्यूशन को करेक्टली इंटरप्रेट करना कोई इजी जॉब नहीं है. जब कोई भी जज ये काम करेगा वो टेक्निकली बहुत सारे लोगों के नेगेटिव रेडार में आ जाएगा. ठीक है, सबको ये बात पता है, ये बहुत इनफॉर्मल चीज है बट समथिंग दैट एवरीवन नोस कि अगर एक जज एक जजमेंट देता है उस जजमेंट से बहुत सारे लोग यूजुअली खुश नहीं रहते. मगर यहां पर हम बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन डील नहीं करता. कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के साथ डील करता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली किस तरीके से अपने जज को सेफगार्ड करेंगे. तो जजेस के पास दो प्रॉपर क्वालिटी होना चाहिए. अगर आप नॉचरी देखो हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस के पास दो क्वालिटीज होने चाहिए. क्या है ये दो क्वालिटीज? एक, आ सुप्रीम कोर्ट जज शुड बी फियरलेस. उन्हें किसी का भी डर नहीं होना चाहिए, आराम से जो वो चाहते हैं उन्हें वो करने की हक मिलनी चाहिए. एंड सेकेंड थिंग, ही शुड बी एन अनबायस्ड पर्सन. What he should be? Unbiased. मतलब, he should not be interested in any contract. किसी भी तरीके का कोई भी डीलिंग उन्हें इंटरेस्ट नहीं करना चाहिए. सबसे पहले चलिए अनबायस्डनेस को डिस्कस कर लेते हैं. अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? याद करिए इंदिरा गांधी केस. इंदिरा गांधी जी में क्या हुआ था? एम एन रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया था. सिंपल सा रीजन है. क्यों बनाया गया था? बिकॉज टेक्निकली वो जजमेंट्स दे रहे थे जिससे कि एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी खुश हो रही थी. कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट दे रहे थे दे वर बायस जजमेंट्स. इसीलिए ये बोला जाता है कि सबसे बेसिक क्वालिटी जो कि एक सुप्रीम कोर्ट जज के पास होना चाहिए दैट इज अनबायसनेस. मतलब ही शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द promises of the executive in any manner. इस चीज को ensure करने के लिए हमारे forefathers ने एक बहुत ही ज्यादा important point को रख दिया constitution में. That in case you are a judge of the Supreme Court, अगर आप
जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो। तो आपका जो लॉ बेस्ड करियर है, जो करियर ऑफ लॉ है आपका, दैट विल एंड द मिनट यू रिटायर। मतलब जैसे ही आप 65 साल के हो जाते हो, द सुप्रीम कोर्ट जज इज बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ, बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। किसी भी, नॉट इवन इन अ सबॉर्डिनेट कोर्ट, ही कैन नॉट गो टू एनी कोर्ट ऑफ इंडिया एंड डू एनीथिंग। मतलब इवन इफ द एग्जीक्यूटिव टेल्स हिम कि सर अभी हमारे नाम पे आप जजमेंट कर दो, फ्यूचर में हम आपका टेन्योर बढ़ा देंगे, वो चीज नहीं कर सकता। फ्यूचर में हम आपको किसी हाई कोर्ट में भेज देंगे, ऐसा भी वो नहीं कर सकता। तो क्या किया जाता है, जजेस इन ऑर्डर टू मेक देम अनबायस्ड आर सेड कि इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट के बाद आपका लॉ का जो करियर है वो खत्म हो गया। हाँ, अगर आपको कुछ और करना है वो आप कर सकते हो, बट आपके लॉ का जो करियर है वो खत्म हो गया है। यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, कंप्लीटली बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिस। दिस मेक्स देम अनबायस्ड। अब फियरलेस बनाने के लिए क्या बोला गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज ना बड़े दुखी थे एक दिन, एंड वन ऑफ देम केम एंड आस्क्ड मी कि एक बात बताइए, हम तो इतने सारे जजमेंट्स निकाल रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी निकाल रहे हैं, हमने केशव नंदा में इंदिरा गांधी जी को गुस्सा दिला दिया, कहीं ना कहीं हम पार्लियामेंट से तो पंगे ले रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो बेसिक अलाउंसेज है, जो हमें जो हमें अपने लाइफ जीने के लिए जरूरत है, कहीं हमसे छीन लिए जाए। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट जज को बोला, मैंने बोला, जज साहब आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो सैलरी है, आपके जो प्रिविलेजेस हैं और आपके जो अलाउंसेस हैं, ऑल ऑफ देम आर टेकन फ्रॉम द चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। किस पार्ट में होता है, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब चार्ज्ड वाला जो पार्ट होता है आपके बजट का, दैट इज नॉन डिबेटेबल। वोट तो होती है, बट इट इज नॉन डिबेटेबल, ठीक है, नॉन डिबेटेबल है। मतलब ये जो एक्सपेंडिचर है, इट इज कॉस्ट, इट इज नोन एज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट पूरे टेन्योर में, इनके पूरे टेन्योर में कभी भी ये सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस को कम नहीं कर सकती। मतलब मैडम क्या बढ़ा सकती है, ऑफकोर्स बढ़ा सकती है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो जजेस के सैलरीज, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस को बढ़ा तो सकती है, लेकिन 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 उन्हें कभी भी कम नहीं कर सकती। हेंस दे आर गिवन व्हाट इज नोन एज सिक्योरिटी ऑफ सैलरी, प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस। अब देखिए, अब आप बोलेंगे, मैडम एक बात बताइए, क्या कितने दिनों तक मैं काम कर सकता हूं, कहीं मुझे जॉब से निकाल दिया तो? तो मैंने सर को बोला, सर आपको अप टू 65 इयर्स ऑफ एज यू हैव व्हाट इज नोन एज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यू हैव व्हाट इज नोन एज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जज साहब बहुत खुश हो गए, जज साहब ने बोला, वाह अब तो मैं जो चाहूं आर्बिट्री डिसीजंस ले सकता हूं और अपने मन से मेरा मन में जो आएगा मैं वो कर सकता हूं। आई टोल्ड जज साहब कि जज साहब ऐसा तो नहीं हो सकता। जज साहब ने बोला, क्यों, तुमने तो बोला मैं एग्जीक्यूटिव से फ्री हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, तो मैं तो जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे तो कोई निकाल नहीं सकता, मेरा सैलरी कोई कम नहीं कर सकता, मेरे प्रिविलेजेस एज इट इज रहेंगे, तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनको बोला, सर ऐसा है दैट यू आर एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एंड सिंस यू आर एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इंडियन डेमोक्रेसी का एक बेसिक पार्ट है दैट तीनों कंप्लीटली आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। We are not behaving like the US government. हमारा जो government है वो closely knit together है। जो तीन organs है हमारे government के, executive, legislative and judiciary, the three play vital roles in the administration of the country. इसीलिए तीनों को coordination में काम करना पड़ेगा। आप separate नहीं हो, आप coordination में काम करोगे। You people lie within the same circle. आप लोग ऐसा मत सोचो कि आप लोगों को किसी तरीके से भी कंप्लीट फ्रीडम दिया जाएगा। जज साहब का मुंह छोटा हो गया। मैंने बोला, सर अगर आप कभी भी कोई आर्बिट्री डिसीजन लोगे, इन दैट केस द पार्लियामेंट हैज द पावर ऑफ रिमूविंग अ जज। जज साहब का मुंह एकदम लटक गया, बोला कैसे हटाएंगे बताइए। मैंने बोला, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनली दो ग्राउंड्स है,
आपको रिमूव करने के लिए. क्या दो ग्राउंड है? वन इज नोन एज मिसबिहेवियर. एक का मतलब है मिसबिहेवियर एंड द अदर वर्ड इज इनकैपेसिटी. अब बहुत बार आप लोग इन दो वर्ड्स को अपने लक्ष्मीकांत वाले बुक में पढ़ोगे. लेट मी टेल यू द मीनिंग. मिसबिहेवियर का मतलब होता है कि सपोजिबली किसी भी गवर्नमेंट इंडिविजुअल को, अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जा रहे हो, इवन इन द मोस्ट स्मॉलेस्ट ऑफ जॉब्स, द मोस्ट यंगेस्ट ऑफ जॉब्स, आपको गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपके पास कितने का एसेट है. मतलब यू विल हैव टू टेल द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट मेरे पास समझ लीजिए 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है. आई हैव अ प्रॉपर्टी वर्थ 10 करोड़. मेरी वाइफ के पास वर्थ 2 करोड़ ऑफ प्रॉपर्टी है. एंसेस्टेरियली हमारे पास इतने पैसे हैं. उसके दैट इज नोन एज गुड बिहेवियर. आप सब कुछ सच सच बता रहे हो. मिसबिहेवियर का मतलब होता है जब जज साहब बोलते हैं मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, एंड बाद में पता चलता है कि उनके पास एक नहीं, ही हैज 100 करोड़ रुपीज. सो समवेयर डाउन द लाइन दैट इज नोन एज मिसबिहेवियर. इनकैपेसिटी वाला वर्ड आता है. इनकैपेसिटी का मतलब होता है जब एक जज जो है वो या तो काम नहीं कर पा रहा है, अनसाउंड मेंटल हेल्थ का हो गया है, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं. नंबर टू, जज साहब जो है वो एग्जीक्यूटिव की बात ज्यादा सुन रहे हैं, जुडिशरी की बात नहीं सुन रहे हैं. कहीं ना कहीं आर्टिकल 50 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायलेट कर रहे हैं. दैट इज नोन एज इनकैपेसिटी ऑफ अ जज. ठीक है, तो पार्लियामेंट ने के पास दो ऑप्शंस है. एक होता है कि आप जज को मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे हटाएं, और दूसरा होता है कि आप जज को इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे हटाएं. वेरी गुड. अब आप बोलेंगे ओके मैडम, सबसे पहले ये डिस्कस कर लीजिए कि ये कैसे होता है. ठीक है, देखिए, लेट मी जस्ट रिपीट टू यू हाउ अ जज इज अपॉइंटेड. ठीक है, पहले लेट मी टेल यू एक जज अपॉइंट कैसे होता है, फिर इनके रिमूवल के बारे हम वापस आएंगे. सो जज साहब जो अपॉइंट होते हैं, व्हाट हैपेंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 125, सीजेआई क्या करते हैं, अलोंग विद द कोलिजियम ऑफ 3 जजेस, ही गिव्स अ रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, उन जजेस को एक ऑर्डर पास करेंगे, एंड दोज जजेस विल बी अपॉइंटेड. ठीक है, अब इन जजेस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन इज नंबर 1, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ऑलराइट मैडम, सबसे बेसिक है, सारे पोस्ट के लिए है सिटीजन ऑफ इंडिया. यस, अब और क्या मैडम, ही शुड बी अ हाई कोर्ट जज फॉर 5 years. कितने साल तक? 5 years. ओके मैडम, मतलब समझ लीजिए कोई एक जज रहा है जो 2 साल बिहार में काम करता है, 2 साल बंगाल में काम करते हैं, वेस्ट बंगाल में काम करते हैं, फिर वो 1 साल जाकर वो यूपी में काम करते हैं, अलाहाबाद हाईकोर्ट में करते हैं. तो इन दैट केस क्या दिस इंडिविजुअल इज वैलिड? क्या ये सुप्रीम कोर्ट जज के लिए रन कर सकते हैं? यस यस यस, वो ऐसा कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज इसमें बोला गया है कि आपको हाईकोर्ट का जज होना पड़ेगा फॉर 5 years सक्सेसिवली. मतलब एक के बाद एक 5 सालों तक आपको किसी भी हाईकोर्ट में कितने भी ब्रेक्स लेके आपको 5 years पूरे करने हैं. अगर आपने 5 years पूरे कर लिए, यू आर वैलिड, यू आर अलाउड टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसके बाद सेकेंड फीचर, इफ यू आर एन एडवोकेट. क्या हुआ? एडवोकेट हो किसी भी हाईकोर्ट में फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. मैडम मैं कभी भी जज नहीं बन पाया, मगर मैं एक बहुत अच्छा एडवोकेट हूँ, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हो. यू कैन बी अ सुप्रीम कोर्ट जज. मैम सेम चीज, मैं समझ लीजिए 5 साल वेस्ट बंगाल में था, मैं 3 साल में यूपी में था, मैं 2 साल बिहार में काटा है मैंने, ओवरऑल मेरे पास 10 years का एक्सपीरियंस है, क्या मैं भी जा सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए? यस यस सेम थिंग. यस, कहीं पे भी हो 10 years तक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर आपने एडवोकेट बने हैं, या 5 years तक आप जज रहे हो, यू आर अलाउड टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अच्छा मैडम एक बात बताइए, और कोई तरीका है कि कोई जज बन सकता है? ना मैं लॉयर हूं, ना मैं जज हूं, कैन आई बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज? यस गाइज, इसका भी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. क्या प्रोविजन है? अंडरस्टैंड लाइक दिस फर्स्ट. बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में जो लॉ पढ़ते हैं,
But most of them do not become lawyers, do not become advocates, do not try to become judges. वो लोग क्या बनते हैं? They become researchers. कि हम बाकी सारे constitutions का research करते हैं, कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितना अच्छा है, नहीं है. Some become authors of great books. Example ले लीजिए लक्ष्मीकांत सर का, कितना अच्छा उन्होंने book निकाला. और देख लीजिए कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस पढ़ना था तो हमने LLB एक बार कर लिया. And some of them go on to do a lot of studies over law, मगर कभी भी they do not practice law. So these persons are characterized as people of great knowledge. क्या बोला जाता है कि ये लोगों ने इतना पढ़ लिया, even though they have not practiced, they are still very very good with law. इसीलिए हमारे constitution में special provision दिया गया. The President of India has been given special powers. क्या है? President को दिया गया है special powers. किस special powers to do what? Special powers to appoint a distinguished jurist who is a very very knowledgeable person. ठीक है? ये special power दिया गया है President को कि वो एक jurist को अपॉइंट करें जो उनके हिसाब से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है. आप बोलेंगे मैडम क्या इंडिया में कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी ऐसा इंसान जूरिस्ट बना है? यस गाइस, जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर, आप गूगल कर सकते हो इनके बारे. ही वॉज वन ऑफ द पीपल इन द केशव नंदा भारती केस. ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स में आप देखोगे कि V.R. कृष्ण अय्यर ने इंडिया को ब्लंडर करने से बचा लिया. क्यों? बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टीज इन लॉ. इनके अलावा बहुत सारे लोग हैं पर सबसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो आप देखोगे वाज डॉक्टर V.R. कृष्ण अय्यर. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब चलिए इनके रिमूवल प्रोसीडियर को हम लोग देखते हैं. ठीक है, और इसे हम दो एंगल से देखेंगे. सबसे पहला वर्ड, हाउ कैन अ जज बी रिमूव्ड? अ जज कैन बी रिमूव्ड, से द वर्ड, ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ पार्लियामेंटरी प्रोसीडियर. कौन से प्रोसीडियर से? पार्लियामेंटरी प्रोसीडियर से एक जज को हटाया जा सकता है. वेरी गुड. कैसे होगा मैडम? किस तरीके से करेंगे? क्या ये प्रोसीडियर कोडिफाइड है? यस, इट हैज बीन रिटन डाउन. कहां पे लिखा है मैम? इट हैज बीन रिटन डाउन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968. कौन से इंक्वायरी एक्ट में? जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968. वेरी गुड मैम. अब कैसे होता है देखिए, सबसे पहले एक मोशन आएगा. अ मोशन हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस. ये मोशन कैसे आएगा और कौन से हाउस में होगा मैम? ये या तो लोकसभा में हो सकता है या तो राज्यसभा में हो सकता है. वेरी गुड मैम. कैसे आएगा ये मोशन? लोकसभा के 100 मेंबर्स को एक पीस ऑफ पेपर में आना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा कि वी वॉन्ट टू रिमूव सच एंड सच जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. वो सारा रीजंस जज का नाम दे देंगे. 100 मेंबर्स को इस पे साइन करना पड़ेगा. फिर ये जाएगा स्पीकर साहब के पास. अगर बाय द वे ये राज्यसभा में हुआ तो राज्यसभा के 50 मेंबर्स को इसे साइन करना पड़ेगा एंड इसे देना पड़ेगा हमारे चेयरमैन साहब को, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग लीडर ऑफ द हाउस. ठीक है, इसके बाद देखिए चेयरमैन अगर चाहते तो चेयरमैन इसे करेंगे हाउस में इंट्रोड्यूस. इंट्रोड्यूस करने के बाद एक पैनल ऑफ इंक्वायरी बैठेगा. क्या बैठेगा? एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी. ये इंक्वायरी पैनल किसका बना हुआ होगा मैम? ये इंक्वायरी पैनल जो है ये किसका बना हुआ होगा? देखो ये जो पैनल रहेगा ये 3-member body रहेगा. इस 3-member body में एक तो रहेंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा रहेगा आपके सुप्रीम कोर्ट का एक जज, सेकेंड विल बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अलोंग विद दैट देयर विल बी अ हाई कोर्ट जज और अनदर सुप्रीम कोर्ट जज, कुछ भी हो सकता है, थर्ड पर्सन जज इसके क्राइटेरिया में ही रहेंगे. वेरी गुड मैम. ये लोग क्या करेंगे? ये लोग एक इंक्वायरी रिपोर्ट देंगे. क्या देंगे? एक रिपोर्ट देंगे जिसमें वो बताएंगे कि ये क्लॉजेस सही है, ये जो इनके ऊपर तोहमत लगे हैं क्या ये तोहमत सही है, क्या उनके ऊपर जो जो बोला गया है मिस गवर्नेंस या इनकैपेसिटी
क्या ये चार्जेस सही है, येस और नो वाला रिपोर्ट ये देंगे, डिटेल्ड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के पास जाएगा। अब पार्लियामेंट इस रिपोर्ट को देखने के बाद बोथ हाउसेस में एक ये चलेगा, मोशन चलेगा, लोकसभा में और राज्यसभा में ये चेक होगा। देयर विल बी डिबेट, देयर विल बी डिस्कशन एंड देयर विल बी वोटिंग। इसके बाद ये जो वोटिंग होगा दैट विल बी डन विद द एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी। मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए अलोंग विद 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ये मेजोरिटी लगेगा अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना है। इसके बाद ये सेकेंड हाउस में जाएगी। सेकेंड हाउस में जाने के बाद भी डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा। यहाँ पर आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला मेजोरिटी चाहिए होगा। फाइनली अगर दोनों हाउसेज ने इसे पास कर दिया, ये चला जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर इशू कर देंगे। और ये जो ऑर्डर है दिस विल मेक श्योर कि जो जज है उसे हटा दिया गया है फ्रॉम हिज पोजिशन। नाउ द जज नो लॉन्गर स्टैंड एज द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, अब लेट अस थिंक लाइक अ सिविल सर्वेंट। मैडम आपने तो बोला है कि जज साहब को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। हाँ हाँ, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। तो किस तरीके से जज साहब बचेंगे आप ही बताइए। ये तो इन्हें हटाने का तरीका है गाइज। ये जो हटाने का तरीका है अगर आप इसे गौर से देखो तो इसमें बैरियर्स ही बैरियर्स हैं। टेक्निकली इतने सारे बैरियर्स हैं कि उन बैरियर्स को क्रॉस ही नहीं किया जा सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन गाइज कि आज तक इंडिया में कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है। रीसेंट केस में जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के नाम पर एक केस गया था एंड इट वॉज रिजेक्टेड। पार्लियामेंट में स्पीकर ने इसे इंट्रोड्यूस करने से रिजेक्ट कर दिया था। चलिए देखते हैं कि ये बैरियर्स कैसे कैसे हैं। सबसे पहला, ये मोशन इंट्रोड्यूस करने के लिए 100 मेंबर्स की अनुमति की जरूरत है। यू नीड 100 मेंबर्स जो अनुमति देंगे लोकसभा के एंड 50 मेंबर्स जो अनुमति देंगे राज्यसभा के। और ये जो मेजोरिटी के ऑफ लोगों से ये साइन करवाना अगेंस्ट अ जज इज इन इटसेल्फ अ हर्क्यूलियन टास्क। अगर आपने ये कर भी लिया, दिस इज बैरियर नंबर वन। क्या है ये बैरियर नंबर वन है भाई? 100 लोगों को लाओ लोकसभा में इकट्ठा करना बहुत ही डिफरेंट टास्क होता है। समझ लीजिए गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच कोई झमेला चल रहा है। गवर्नमेंट ने अपने सारे लोगों को फोर्स करके विप का रोल फॉर्म करा के बोला कि भाई साइन करो, हमें इस जज को तो हटाना है, ये जज तो हमें काम करने नहीं दे रहा है। और ये लोग बेचारे डर वर के साइन तो कर देते हैं, बट उसके बाद ये जाता है स्पीकर के पास या फिर चेयरमैन के पास। चेयरमैन और स्पीकर के पास ये अल्टीमेट अथॉरिटी होता है कि वो डिसाइड करेंगे क्या इस मोशन को इंट्रोड्यूस करना है या नहीं। इनका अगर इन्होंने बोल दिया नो तो ये पास नहीं होगा। और नॉर्मली सोचिए गाइस, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को जब इम्पीच करने की बात की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट में ये मोशन 100 लोग लेकर आ भी गए थे लोकसभा में, लेकिन स्पीकर साहब ने इसे आने नहीं दिया था। कैसे? अपने पावर्स को अपहोल्ड करते, अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स को अपहोल्ड करते हुए स्पीकर या चेयरमैन इसे इंट्रोड्यूस होने से रोक सकते हैं कि ना हमें ये इंट्रोड्यूस नहीं करना। दिस इज बैरियर नंबर टू। उसके बाद आप आएगा इंक्वायरी पैनल पे। अभी इंक्वायरी पैनल में ना दो बैरियर्स है। कैसे? सबसे पहला, ये जो इंक्वायरी पैनल बनेगा वो बनेगा सोली ऑफ जजेस। समझ लीजिए सीजीआई ने सीधा बोल दिया कि नाना कोई पैनल नहीं बनेगा, हमें इस जज को नहीं हटाना, वी विल नॉट फॉर्म अ पैनल। तो इंक्वायरी कैसे बढ़ेगी? अगर पैनल ही नहीं बढ़ेगा तो इंक्वायरी कैसे बैठेगी? यहाँ पर बैरियर नंबर थ्री, हम बनाएंगे ही नहीं। जुडिशरी अपने लोगों को सपोर्ट करते हुए सीधा बोलेगी कि हम इसे बनाएंगे ही नहीं, बैरियर नंबर थ्री। फाइनली फोर्थ बैरियर कैसे आता है बताइए भाई? ये जो रिपोर्ट आएगा, नेचुरल सी बात है, जुडिशरी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बायस्ड होगी टुवर्ड्स इटसेल्फ। आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को ही देख लो कि अगर दो पार्टी है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो क्या एक दूसरे का पावर इजिली अंडरमाइन करेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए देयर इज बैरियर नंबर फोर ओवर हियर आल्सो। और अगर वो जो रिपोर्ट देगी वो रिपोर्ट यूजुअली विल बी इन फेवर, इट विल यूजुअली बी इन फेवर ऑफ द जज हु इज बीइंग ट्राइड। अब उसके बाद जब ये पार्लियामेंट में जाता है
ठीक है, डिबेट और डिस्कशन तो ठीक है, लेकिन वोटिंग में दिस अमाउंट ऑफ मेजोरिटी को पाना इट्स अ टेक्निकली मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। और समझ लीजिए अगर लोकसभा राज्यसभा मिलकर भी एकदम उतारू है कि हम इसे, हमें इस जज को हटाना ही है, और वो किसी ना किसी तरह वोटिंग के जरिए इन्हें हटा भी देते हैं, ठीक है, तो भी ये, और ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साहब अपना ऑर्डर दे देंगे, लेकिन एनीथिंग विच हैपेंस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। यस, 1980 केस में डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बात बोला था। तो इससे हम क्या समझते हैं, प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है दैट इज ऑल्सो अंडर जुडिशियल रिव्यू। अगर जुडिशरी को ये लगेगा कि ये जो प्रोसेस फॉलो किया गया है ये कहीं भी अनफेयर एंड बायस्ड है, जुडिशरी क्या करेगी, दे विल अपहोल्ड, दे विल स्ट्राइक इट डाउन, दे विल से दैट इट इज नल एंड वॉइड। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द जज है, जिसे इम्पीचमेंट ऑफ द जज भी आप बोल सकते हो, ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली रिवोक हो जाएगा। मतलब इतना जो मेहनत हुआ है, बैरियर वन, बैरियर टू, बैरियर थ्री, बैरियर फोर, बैरियर फाइव, ये सारे बैरियर्स को खत्म कर देगी बैरियर नंबर सिक्स। मतलब जुडिशरी के पास पूरा पावर है कि वो इन पांचों, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के सारे ऑर्डर्स को न्यूट्रलाइज कर दे। दिस इज द पावर ऑफ चेक एंड बैलेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब एक बहुत वाइटल क्वेश्चन आता है गाइस, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें मैं सारे के सारे पॉइंट्स आपको समराइज करके एक जगह पे दे रही हूँ। इज द सुप्रीम कोर्ट अ सोवरेन बॉडी? मैडम सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है एनी बॉडी, कोई भी ऐसा बॉडी दैट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। मतलब किसी भी इन्फ्लुएंस से, क्या एससी सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो कंप्लीटली न्यूट्रल है? पहला सवाल, हम क्या बोलेंगे अच्छे से समझिएगा, हाउ यू विल राइट दिस आंसर। पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट जो है इट हैज ग्रेट पावर्स। क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास? द सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रेट पावर्स, आर्टिकल 142 गिव्स इट ग्रेट पावर्स, बहुत सारे पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास अनलिमिटेड पावर्स है कंप्लीट जस्टिस पाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिग्री पास कर सकती है, यस और नो? हमने थोड़ी देर पहले इसे डिस्कस भी किया था। अब आप देखो मैडम, आर्टिकल 145 भी है सर। आर्टिकल 145 क्या बोलता है? आर्टिकल 145 बोलता है दैट सुप्रीम कोर्ट कैन मेक इट्स ओन रूल्स, अपना रूल्स बना सकते हैं, अपना कैलेंडर बना सकते हैं। मतलब वो अपने हिसाब से छुट्टी पे जा सकते हैं, अपने हिसाब से छुट्टी से वापस भी आ सकते हैं। उसके ऊपर ना पार्लियामेंट उन्हें कुछ बोल सकती है, ना उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ बोल सकता है। एज एंड व्हेन टाइम अराइजेस, एज एंड व्हेन नीड अराइजेस, सुप्रीम कोर्ट अपने सेशंस बुला सकता है और अपने सेशंस खत्म कर सकता है। इनफैक्ट अपने सारे अपॉइंटमेंट्स, सारे जितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो खुद करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर एक गार्ड भी है, यू नो, बाहर में एक अगर दरवान भी है, तो वो भी दरवान इज अपॉइंटेड बाय द जुडिशरी इटसेल्फ। एक स्वीपर भी अगर काम कर रहा है तो वो भी अपॉइंट किया गया है जुडिशरी से, उनका एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो जुडिशरी अपने में ही एक सेपरेट बॉडी बना दी गई है। मगर याद करिए आर्टिकल 125 को, जो ये बोलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट को बोलना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है एंड प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखो, द पार्लियामेंट विल डिसाइड कि कितने जजेस हैं, कितने जजेस होंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ मेनी जजेस विल बी देयर, ये अपॉइंट किया जाएगा, ये डिसाइड किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब ये तो लेजिस्लेचर आ गया मैडम। हाँ, आ गया ना। अब देखिए यहां पर, अब देखो इसका मतलब क्या है कि जुडिशरी को फ्रीडम दी गई है, सीजीआई को पावर्स है, मगर ये पावर्स एब्सोल्यूट नहीं है। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट पावर्स। दे आर कैसे पावर्स है ये? दे आर एब्सोल्यूट नहीं है, मगर पूरा पावर नहीं है। आप बोलेंगे मैडम इन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी है, मगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के साथ
इन्हें निकालने का भी तो बंदोबस्त किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर आपने ठीक तरीके से फंक्शन नहीं किया, आप ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, आप ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेसिटी पे निकाल दिए जाते हो, यस और नो? तो हम क्या, हमारा जवाब क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्टरी लाइन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ग्रेट पावर्स, इट हैज बीन रिगार्डेड एज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 142. It can pass any law, any order, any decree that will ensure complete justice in India. Article 145 quote कर दो, Article 125 दे दो, security of tenure के बारे बता दो, और last में आप लिखो, India is a democracy, and a democracy is characterized by the balance of power. किस चीज से balanced है? Balanced of power. Alright. मतलब मैम, मतलब balance of power का मतलब है the executive, the legislative and the judiciary have to work in close coordination with each other. कैसे काम करना होगा? Close coordination with each other. They are never completely separated. क्या हमने बोला है? They are never completely separated. The term independent in our constitution is a relative term, not an absolute one. तो ये हो जाएगा आपका एक बैलेंस्ड आंसर, जिसने आपने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ भी कर दी और आपने ये भी बोल दिया कि क्या क्या लिमिटेशंस है उनके पावर पर. दिस वॉज द एंड ऑफ लेसन 3 ऑफ द इंडियन जुडिशरी. इन द नेक्स्ट लेसन हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कवर करेंगे.